झूठे कहीं के। मैडम हमें FIR लिखवानी है। Excuse me. This is a hospital, not a police station. Why screaming so loud? And sister, why are sitting here all the time like a wax statue, wasting my time? Take the patient to the operation theater and be quiet now. Quiet. मैं बैक स्टैचू हूँ। अबे तू जानबूझ के करा ही सब मन दी गए सब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले तू ऐसे झूठ मूठ करके ना तू कमिश्नर। अबे क्या है गठे हुए दोनों बिल्कुल ही एक ने बिल्कुल छाती तक बांध रखी पेंट बिल्कुल सड़क का संजय दत्त हो रहा यहाँ क्या डाल के बिछड़े पंछी किस बात की लिखानी मांग रहे FIR। हाँ यार पड़ोसन ने पिक्चर पे जाने से मना कर दिया या अड़ोसन ने कॉफी पे जाने से। देखिए मैडम हमारा नाम है चिंतित चटर्जी चिंता में। अबे सुकून में भी हो तू फिर भी क्या कर लेगा। अरे इसे जो करना था ये कर चुका पापा। Well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द तुम जल्दी दे दो अपना इंजेक्शन इज द इंट्रोडक्शन। मैडम जी मैं हूँ जो है चिंती चटर्जी का बाप टेंशन में और हमारा नाम है चिरकू चटर्जी टेंशन में। वाला व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम प्रॉब्लम हम बताते हैं एक्चुअली मैडम बात ये हुई कि हम और पापा वो महाकौशल एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। बांदा रेलवे स्टेशन से हमारी बुकिंग थी S5 नंबर हमारी बोगी का क्रमांक था और उसमें जो बर्थ रिजर्व थी वो थी 23 और 24 नंबर। तो 24 नंबर बर्थ पे हम बैठे थे 25 पे कोई और बैठा था 23 पे पापा बैठे थे और 22 पे कुछ कोई हाँ वो खाली थी और 22 के बिल्कुल सामने वाली जो बर्थ थी वहां पे 30 बैठा था। अबे तू मैटर बोल रहा है कि तू जो है बोगी का मैप ड्रॉ करके देगा यहाँ हमें। अरे ये बकवास कर रहा है पापा झूठा जमाने भर का। मैडम जी हम बता रहा हूँ टेंशन में। मैडम हुआ ये कि हमारा खानदानी रुमाल है जो हमारे खानदान की इज्जत है और मैडम इस गधे के कारण वो हमारा खानदानी रुमाल जो है वो खो गया टेंशन में। देखिए अंकल जो भी बात है दिन है या रात है मैडम के सामने बोल डालो ईमेल अकाउंट खोल डालो वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का टुल्लू पम गरम हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या मेरा मतलब है जुल्मी जीनत मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है समझे। गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है ना उस इंसान पे जो आगे वाली बोगी में बैठा था। उसने अपना हाथ बाहर निकाला गरम गरम चाय फेंकी जो हमारे चेहरे पे गिरी हम तिलमिला गए बिलबिला गए चिंता में। अबे तू तो 24 नंबर की बर्थ पे था तो फिर दूसरी बोगी से कहां से उछल गई थारे मुंह पे चाय। नहीं मैडम तभी हम वहां दरवाजे पे खड़े थे ना तभी तो वो आगे वाली बोगी से हाथ बाहर आया चाय वहां से गिरी बाहर और हमें माने हमारे चेहरे को चूमती हुई झुलसा के चली गई चिंता में। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो तुम्हारी 24 नंबर बर्थ थी वो दरवाजे में फिटकी हुई थी जहां तुम बैठे थे तभी तो हम खड़े थे ना बर्थ पे दरवाजे पे। तू बैठे कहां थे। अरे बैठे तो 24 नंबर बर्थ पे थे ना पर अभी तो तुमने कहा कि तुम खड़े थे। मम्मी जी ये बहुत कंफ्यूजन वाला केस है मैं नहीं सुलझा सकता। मैडम हम बताते हैं आपको एक्चुअली तभी हम 24 नंबर बर्थ पे बैठे थे बराबर है माने बैठना 24 नंबर बर्थ पे होता था लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली हम दरवाजे पे खड़े थे क्योंकि हमारे पापा का जो खानदानी रुमाल था वो वहां पे हम सुखा रहे थे ना उसी टाइम पे आगे वाली बोगी से चाय आके हमारे चेहरे पे गिरी और उसी टाइम पे हमारे हाथ से खानदानी रुमाल उड़ गया चिंता में। ये बकवास कर रहा है पापा और इसकी गलती की वजह से रुमाल जो है उड़ गया होगा। अबे तुम्हारा रुमाल उछलेगा कुएं पड़े रुमाल तुम्हारे का उससे हमें कोई लेना देना ना है पर कोई चाय गर्मा गर्म उछाल रहा है यो घनी गैर जिम्मेदारी का काम हो रहा
अबे गरम चाय लग जाने से रुमाल के इंसान छिटक के गिर सके। इसको बुलवाओ अपना महाकौशल एक्सप्रेस के टीसी ने विथ रिजर्वेशन चार्ज। पापा पापा पापा, अबे खिलौना है वो। मतलब क्या प्रियंका चोपड़ा? अरे नहीं नहीं गलती लग रही है, प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा। चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। प्रेम चोपड़ा मतलब वो वाला कि वो वाला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। शाबाश। हाँ भाई पीसी, देखो ऐसा है 21 तारीख की शाम को यो दोनों जजमान जो है तुम्हारी महाकौशल एक्सप्रेस में बांदा स्टेशन से चढ़े, ठीक है? अब जब उसी के टीसी हो ना तुम? जी 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 उसी का। हाँ अब सवेरे जब घाटमपुर आवे है तो यो खड़ा था ये अपना लाल टी शर्ट वाला गोल मुंह का टमाटर सा, यो दरवाजे पे खड़ा था और इसका पापा आ? यो जो आदमी है इसका फादर हो रहा, यो सुस्ता रहा था अंदर बर्थ पे। अब फिलहाल जो है सवेरे अपने यो दरवाजे पे खड़ा था, खूब अपना एक फालतू सा रुमाल सुखा हुआ था। इतने में अगली बोगी से किसी ने जो है चाय पसंद ना आई होगी, गर्मा गर्म चाय उछाल दी इसके मुंह पे, जो है तड़ाक देने की आके पड़ी। इब यो बताओ कि यो जो तुम्हारी बोगी है अगली बोगी, उसमें दरवाजे के पास जो बर्थ थी उस पे किसका रिजर्वेशन था? अभी बताता हूँ मैडम, उससे पहले मैं जरा इनसे कुछ पूछताछ कर लूं। अरे एक बात बताइए, आपके ऊपर चाय कहाँ से आए? अगली बोगी से। अरे अगली बोगी मतलब इस तरफ की अगली बोगी या इस तरफ की अगली बोगी? क्योंकि मुझे याद है आप S5 में थे, इस तरफ की अगली बोगी हुई तो S4 होगी, और अगर इस तरफ की अगली बोगी हुई तो S6 होगी। हाय हाय। क्योंकि देखिए अगर आप इस तरफ का होगा तो फिर S6 जो है वो अगली होगी और S4 पिछली हो जाएगी, और अगर इस तरफ से हुआ तो S4 अगली होगी और S6 पिछली हो जाएगी, है? तो कौन सी अगली और कौन सी पिछली ये बता दीजिए आप। अगली बोगी से। अरे आप समझ नहीं रहे यार, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही थी तो S4 जो है वो अगली होगी और S6 जो है वो पिछली हो जाएगी, और अगर ट्रेन दक्षिण की तरफ जा रही थी तो S6 जो है वो अगली होगी और S4 पिछली हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये देखिए दोनों बोगियां जो वो आगे पीछे अगली पिछली हो जाती, तो कौन सी अगली? S4 वाली अगली उठ। अबे ओ बुढ़ापा आ गया यहाँ, जवानी बीत गई। अबे खौफनाक साल के मालिक, S4 में जो बोगी है ना उत्तर में दक्षिण में हुई ने। अबे क्लियर कट सासी सराफत वाली लैंग्वेज में बोल ले तो हमारी भी आ जाए समझ में। हाँ मतलब वेल मॉम, क्यों ना कर लिया जाए एक डेमो इज द, आई डांस लाइक रेमो इज द, क्यों पापा? हाँ यो सही आइडिया है, डेमो से ही साफ पता चलेगा क्या हुआ था एग्जैक्टली और कहां से आई चाय। चलो डेमो करो, डेमो करो, डेमो। हां एक काम कर, गो बिल्लू बिल्लू इधर आ जा, ट्रेन का माहौल बनाओ। हम दोनों ट्रेन ये दरवाजे बन जाते हैं, और अब आप आइए और बताइए कि किस तरह आप ट्रेन में से लटके और आपका रुमाल कैसे उड़ के निकल गया और चाय कैसे आई, बताओ बताओ। ये दरवाजा है ट्रेन, अब ट्रेन चल रही है। तो हम अभी ये दरवाजे पे आए, यूं हम लटक रहे थे और ये रुमाल हम सुखा रहे थे, इतने में आगे की बोगी से एक चाय हमारे चेहरे पे आई और हमारे हाथ से ये रुमाल उड़ गया। हो गया, हो गया, डेमो खत्म, डेमो खत्म। पापा मतलब
मैडम समझ आ गया, मुझे ठीक से समझ आ गया कि किसने इनके ऊपर चाय फेंकी होगी। देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि एस फोर के पिछले गेट के आसपास जो बर्थ थी, मतलब 69, 70, 71 और 72 में से किसी ने इनके ऊपर चाय फेंकी हुई मुंह पे थाटा। तो आप हमें बता दीजिए, आप कि उन चारों बर्थ्स पे कौन लोग सफर कर रहे थे? पापा हाँ है ना, पूरी लिस्ट है। जरा तारीख एक बार बता दीजिए फिर से, कौन सी थी? अरे 21 पता है, रुक जाए, ये रहा है 69 पापा। ओहो मैडम, इन चार बर्थ पे उस दिन तीन लोग सफर कर रहे थे। चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। आहा, तीन पैसेंजर। नमस्ते मैडम, मैं हूँ मिस माला, खो गया है कान का बाला। रस्तोगी जी की टांग तोड़ दूंगी। क्यों, रस्तोगी जी ने आपको आंख मार दी या लव लेटर दे दिया? शाबाश पापा। मैडम हम हैं मिश्रा शुक्ला। मिश्रा भी और शुक्ला भी? हाँ मैडम, नाम हमारा मिश्रा है और सरनेम शुक्ला है। समस्या विकट है, कट गया टिकट है। नमस्ते मैडम, मैं भयभीत हूँ। हाँ वो तो शक्ल से ही लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम भयभीत है, भयभीत भटनागर फ्रॉम मध्य प्रदेश सागर। ट्रेन चले खटर पटर खटर पटर। ऐसा है, 21 तारीख को चढ़े थे ना तुम लोग ट्रेन में, महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़े थे ना। हाँ, S4 नाम की तुम्हारी बोगी थी। देखो भाई सही है, तो देखो बाजू वाली बोगी में ये दोनों थे जजमान। ये फादर एंड सन पेयर है, डुओ। ये है बेटा और ये इसके पापा। तो भैया ट्रेन में ये जो बेटा है यो खड़े खड़े दरवाजे पर खड़ा था और हवा खा रहा था, इतने में तुम में से किसी एक ने जो है अपनी बोगी से उछाल के चाय जो है फेंकी और वो गरम गरम खोलती चाय इसके मुंह पे आके पड़ी। अब ये छिटक के गिर भी सके था, है जान वान का खतरा भी हो सके था। अब ये बताओ कि ये भैया हरकत जो है किसने करी? तुम तीनों में से नाम लो भाई। बता देंगे जी, नाम भी बता देंगे, पहले अपना गरम गरम चाय पी लो जी। वाह भैया वाह, क्या बात है गोपी, ये हुई ना बात, मतलब समोसे के साथ चाय मिल जाए तो आहा। आंटी थैंक यू दादू। आप लेंगे चाय? ओ कके चाय। ये सही है दादाजी। चाय है, मैं कॉफी पीता हूँ। बस 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 मैडम, अब तो ये केस आईने और मेरे दांतों की तरह साफ है मैडम, चाय इस आदमी ने फेंकी है। नहीं मैडम, ट्रेन में भी सेम हुआ होगा मैडम, ट्रेन में सेम हुआ होगा मैडम। इस आदमी ने वो जो चाय कॉफी बेचने वाला था ट्रेन में, उससे कॉफी मांगी होगी, उस आदमी ने गलती से चाय दे दी। इसने जैसे ही चाय का सिप लिया, इसे पता चला ये तो चाय है, इसने खिड़की के बाहर अपना हाथ निकाला और यूं करके चाय को फेंक दिया, जो मेरे मुअक्कल के मोटे मोटे गालों पे जाके लगी मैडम। बस मैडम, सारे के सारे सबूत और गवाह तो चीख चीख के पुकार। वकील ने सुला दे पहले तू। ये तैने चाय फेंकी इसके मुंह पे उछाल के तू? नहीं 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 मैडम, मैं भयभीत भटनागर फ्रॉम मध्य प्रदेश सागर ये काम कर ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं मैडम लेफ्टी हूँ और मेरे जो खिड़की थी वो राइट में थी, तो मैं लेफ्ट हैंड ट्रेन के बाहर निकाल के चाय कैसे फेंक सकता हूँ? ट्रेन चले खटर पटर खटर पटर। वैसे इसकी बात में दम है, लेफ्ट हाथ से कोई भी चीज फेंकने वाला इस तरह से राइट में नहीं फेंकेगा, वो ऐसे फेंकेगा लेफ्ट में। तो यह काम तो किसी राइट ही का ही है। मैडम ये तो कोई बात नहीं हुई। हुई हुई। वेल ब्रो, याद करो कुछ और बात हिस्सा, कैसा था वो हाथ हिस्सा? अरे हाँ, वो हाथ पापा। ओ साथ में नेल पॉलिश लगी हुई थी। या मिस माला, क्या आप अपना हाथ मुझे देंगी? आप
आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाय हाय। सच बताओ, जब मैं अंदर घुसी थी ना, आप मुझे पसंद आ गए थे अपने लिए। ओ आंटी, अभी दूध के दांत भी ना झड़े हैं सुसरे के इसके, और तू बिल्कुल और कंफ्यूजन में बातें कर ले यहाँ घुमा घुमा के। ओ, ओ, ओ। अरे वो हाथ नेल पॉलिश देखने के लिए मांग रहा है। देख, ये पकड़ी गई मैडम, पकड़ी, यही है मैडम, यही है, देखो नेल पॉलिश भी लगी हुई है। नहीं 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 मैडम, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ मैडम, मैं माला खो गया है मेरे कान का बाला, रस्तोगी जी की टांग तोड़ दूंगी। मैडम मैं तो चाय की शौकीन हूँ, ये देखिए मैडम, उसके संग खाती नमकीन हूँ, रस्तोगी की टांग तोड़ दूंगी। Oh my God! Excuse me everybody! देखिए मिश्रा के हाथों में भी नेल पॉलिश लगा हुआ है। अरे हाँ। अरे मैडम, हम नेल पॉलिश के होलसेल व्यापारी हैं, समझे? तो कस्टमर लोग को दिखाना पड़ता है सैंपल के लिए, इसीलिए लगाए हैं। और कभी कभी तो लिपस्टिक भी लगा के दिखाना पड़ता है। समस्या बिकट है, कट गई टिकट है। तुम भी दिखाओ जरा, अपने हाथ दिखाओ तुम। मैं ये सब काम करता ही नहीं। ठीक है, अब तो एक ही रास्ता दिखे है मन्ने, वो खिड़की लेके आओ। किसके घर की लाऊं? अबे घर की ना, ट्रेन की खिड़की लाओ। तो हाथ निकलवा के जरा एक डेमो करेंगे सबसे, तो पता लगेगा कौन से एंगल में किसके हाथ से छिटकी है चाय। ऐसे अलग से मिलती है ट्रेन की खिड़की में? शाबाश, जितना कही है उतना करो, खिड़की लाओ। जल्दी चल कॉपी, जल्दी। Well, खिड़की है बहुत भारी इसदा, मैंने लप्पी के लिए खरीदी है नई साड़ी इसदा। एक मिनट। TCPC नाम है हमारा, चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। आहा, ये खिड़की लेके आप कहाँ जा रहे हैं भाई? Well, हम हैं पुलिस, हमें पहचानो इसदा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है रानो इसदा। नहीं, पहचान तो रहे हैं दादाजी, लेकिन लेकिन ये रेलवे की संपत्ति लेके आप कहाँ जा रहे हैं? चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। आहा। अरे क्या, आपको तो पता है ना, वो चौकी में वो चाय कॉफी वाला केस आया है, अब उसको सॉल्व करने के लिए इस खिड़की की जरूरत है, तो मैडम ने कहा खिड़की लेके आओ। पर आप चिंता मत कीजिए, वापस लौटा देंगे, आपकी ट्रेन खिड़की के बिना नहीं जाएगी। क्या? अरे मैडम ने कहा है तो पूरी ट्रेन भिजवा दे, ट्रेन। ठीक है, ले जाइए, ये खिड़की भी ले जाइए, शायद ये ही आपका केस सॉल्व कर दे। चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। हाँ तो भाई सारी तैयारी हो गई है, खिड़की आ चुकी है, अरे दोनों बालक ट्रेन बन चुके हैं। ईब, आप तीनों व्यक्तिगण एक एक करके अपना हाथ इसमें डालेंगे, आपके हाथ में होगी चाय की प्याली, फिर उसे आप उछाल देंगे जैसे कि उस दिन हुआ था, फिर पकड़ में आएगा कल्प्रीट। क्लियर? मैडम मैं भयभीत भटनागर फ्रॉम मध्य प्रदेश सागर, ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बेकार में यहाँ रोक रखा है आप लोगों ने, ट्रेन चले खटर पटर खटर पटर खटर पटर। अच्छा, अबे ओ, ज्यादा शरीफ होने की जरूरत नहीं है भयभीत भटनागर, हम डिसाइड करेंगे कौन शरीफ है और कौन नहीं, आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, और कुछ सेकंड में साफ हो जाएगी सारी कहानी। और एक हिट गाना था शीला की जवानी। अबे तू पैदा क्यों हुआ बे? सॉरी। अरे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, अरे हमारा ये जो बेटा है ना वो एक नंबर का बहानेबाज है, और इसी ने जो हमारा खानदानी रुमाल जो है उड़ाया होगा टेंशन में। पापा चलो, गेट सेट गो, रेडी? हाँ हाँ मैडम, रेडी रेडी, देखिए ट्रेन चल रही है। चलो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, एक एक करके डालो। ए चले चल, चलना। अबे क्या ठाकुर बन के खड़ा है? अबे यू ओके?
मैडम मैडम एक हफ्ते की बात है, मैंने एक लड़की को उसकी खूबसूरती के चक्कर में आके उसे छेड़ दिया था। वहां मौजूद पब्लिक ने मेरी भावनाओं की कद्र ना करते हुए मेरी बुरी तरीके से तुड़ाई कर दी और मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। ये बात मैं पुलिस को नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन आज शॉल हटते ही पता चल गई। ट्रेन चले खटर पटर खटर पटर। नचड़ाला ये तो ठाकुर निकला, ये तो चाय फेंक ही ना सके। वेल बेबी बे बुड़ो सॉरी। वेल मिस माला दैट्स योर टर्न। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.